हेलो सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू रंजन स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिजिक्स के ऑप्टिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड 2020 में 100% आने की गारंटी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए दोस्तों, आप इसको बना लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरफ सिद्ध किया गया है, और ताकि आप एग्ज़ाम में ये आए क्वेश्चन तो आप आसानी से सिद्ध कर दें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिज्म क्या है, किस प्रिज्म में सिद्ध करें कि म्यू बराबर साइन डेल्टा यानी मैक्सिमम डेविएशन प्लस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू। इसको आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप प्रिज्म का परिभाषा पूछा है, प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म का परिभाषा लिख दीजिएगा। यहाँ पर जैसे हमने लिखे हैं, ऐसा पारदर्शी सतह जो दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से घिरा हो प्रिज्म कहलाता है। ऐसा पारदर्शी सतह जो दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से घिरा हो प्रिज्म कहलाता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अलावा इसमें एक बेस तथा दो प्रिंसिपल सेक्शन उपस्थित रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसका फिगर देख लेते हैं कि कैसे इसका फिगर बना है। आप फिगर को आप याद कर लीजिएगा तो आपका सारा मतलब आंसर बन जाएगा। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनाया गया है, देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ए बी सी एक प्रिज्म ले लिए हैं, ए बी सी एक प्रिज्म है, और यहाँ से इंसिडेंट लाइट को हम डाले हैं, फिर यहाँ से टकराकर एसी सरफेस पर आया है और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया है, और फिर यहाँ से हमने लंब खींचे हैं और यहाँ से भी लंब खींचे हैं। यहाँ पर आई वन एंगल का निर्माण हुआ है और यहाँ पर आई टू का, और ये हो जाएगा आर वन और ये हो जाएगा आर टू, और जो ये बच रहा है इसके बीच का एंगल होगा आई वन माइनस आर वन, और इसके बीच का एंगल होगा आई टू माइनस आर टू। ये जैसे हमको लग रहा है कि ये किरण जो है कहीं बाहर से आ रही है, ये किरण जो इंसिडेंट लाइट लग रहा है हमको कि बाहर से आई है, और ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट लग रहा है कि बाहर से आ रही है, तो इसे हम डॉट डॉट के रूप में मिला दिए, और जो हमारा यहाँ पर मिल रहा है एंगल इसी को डेविएशन कहा जाता है। तो देखिए ये आपको फिगर याद रखना है और मुझबानी आपको याद रखना है ताकि आप आसानी से सिद्ध कर दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप हम मान लेते हैं कि माना ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है तथा प्रिज्म कोण ए है। हमें सिद्ध करना है म्यू बराबर इतना, हमें सिद्ध करना है म्यू बराबर इतना। तो देखिए कैसे सिद्ध किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र से ले लिए हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में यहाँ पर पी क्यू एस लिए हैं और उसका फिगर भी बना दिए हैं, और ये जो बाहर का डेविएशन दिखाई दे रहा है एंगल, चूँकि हम लोग जानते हैं कि आउटर एंगल का मान फॉर इंटीरियर एंगल के मान के जोगफल के बराबर होता है, आउटर एंगल का मान फॉर इंटीरियर एंगल के जोगफल के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा बराबर आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, इसलिए इतना बराबर इतना हो गया। इसको समीकरण नंबर एक मान लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अब उसी में जो एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, जो चतुर्भुज है चतुर्भुज ए क्यू आर एस में, चतुर्भुज ए क्यू आर एस में पीछे आप फिगर में देख सकते हैं कि चतुर्भुज ए क्यू आर एस में उसमें ए क्यू आर एस है, तो उसमें कोण ए जोड़ कोण ए क्यू आर जोड़ कोण आर जोड़ कोण ए एस आर बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। तो ये ए हो गया, कोण ए प्रिज्म में एंगल है इसको ए हो गया, और ए क्यू आर यहाँ पर 90 डिग्री का निर्माण हो रहा है, और कोण आर आर ही है और यहाँ भी 90 डिग्री का निर्माण हो रहा है, और ये 360 डिग्री, ए प्लस आर बराबर 360 माइनस 180, इसलिए आर बराबर 180 माइनस ए।
अब देखिए, अब नाउ त्रिभुज क्यू आर एस में, त्रिभुज क्यू आर एस में यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना लिए हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर आर वन जोड़ आर टू जोड़ आर बराबर 180, आर वन जोड़ आर टू और आर का हमने मान यहाँ पर निकाले हैं 180 माइनस से और रख दिए हैं यहाँ पर, तो हमारा 180 180 कट गया। और ए बराबर आर वन जोड़ आर टू, देखिए आगे आगे देखिए, प्रयोग से यह स्पष्ट है कि यदि आई वन बराबर आई टू और आर वन बराबर आर टू प्राप्त हो तो इस स्थिति में मिनिमम डेविएशन की प्राप्ति होगी। यदि आई वन और आर टू बराबर हो या फिर आई वन बराबर आई टू बराबर हो तो इस स्थिति में मिनिमम डेविएशन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर देखिए, इसको हमने ग्राफ के रूप में दिखाए हैं, ये उसका ग्राफ हो गया, मिनिमम डेविएशन की प्राप्ति यहाँ पर हुई है और ये उसी का ग्राफ है। अब यहाँ पर मानते हैं हम मिनिमम डेविएशन के लिए डेल्टा बराबर मिनिमम डेविएशन आई वन बराबर आई टू बराबर आई मान लिया, आर वन बराबर आर टू बराबर आर मान लिया, इसलिए डेल्टा एम बराबर यानी कि मिनिमम डेविएशन बराबर आई जोड़ आई माइनस ए। कहाँ से आया? इक्वेशन वन से। इक्वेशन वन यानी कि समीकरण पीछे जाइएगा, इसमें आई वन जोड़ आई माइनस ए, इसलिए मिनिमम डेविएशन बराबर 2i-1। यार यहाँ से हमने i का मान निकाल लिए हैं, इतना i का मान आ गया है। अब अगेन r बराबर r, r जोड़ r बराबर a, इक्वेशन दो से देखिएगा। अब यहाँ पर 2r हो गया बराबर a, r बराबर a बाई टू, आई और r का मान निकल गया, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अब सरफेस ए बी के लिए। सरफेस ए बी के लिए i बराबर i, r बराबर r, म्यू वन बराबर म्यू, म्यू टू बराबर म्यू, इसलिए स्नेल लॉ, स्नेल लॉ क्या कहता है? साइन आई बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। और हम जो आई का मान निकाले थे वो साइन आई का मान रख दिए हैं, और जो साइन आर का मान निकाले थे वो साइन आर का मान रख दिए हैं, और म्यू टू का मान म्यू है और म्यू वन का मान वन है, इसलिए म्यू बराबर साइन मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये बहुत ही आसान है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको सिद्ध करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।